और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित हैं। इसी के तहत न्यू इंडिया का विजन रखा गया है। पीएम मोदी के नए भारत के विजन की संकल्पना को साकार करने में भारत सरकार का उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंत्रालय द्वारा खाद्य एवं जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त कर देश के आम नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का पूरा फायदा दिलाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आम जन के सपने को साकार करने के लिए मंत्रालय के पास क्या प्लान विजन है, इन सभी मामलों पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री सीआर चौधरी से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। खाद्य एवं जन वितरण प्रणाली की सुविधाओं का पूरा फायदा देश के नागरिकों को मिले, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद केंद्रीय उपभोक्ता मामलात राज्य मंत्री सीआर चौधरी जी। आइए जानते हैं चौधरी जी से किस तरह पीडीएस प्रणाली को चुस्त और दुरुस्त बनाकर आम जन को इसका फायदा दिलाया जा रहा। सर, जब से मोदी जी की सरकार बनी है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बातें की जा रही है। पीडीएस प्रणाली में तमाम तरह की अनियमितताएं थी, आपकी सरकार बनने के बाद आपने जिम्मेदारी संभाली, किस तरह का परिवर्तन अब देखते हैं पहले और आज में? आपका कहना सही है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जहाँ फेयर प्राइस शॉप्स काम कर रही थी उनमें बार बार ये शिकायतें आ रही थी कि सब जो बेनिफिशरीज हैं उन तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है या गोदामों से अनाज दुकानों तक भी नहीं पहुंच पाता है। ये सारी बातें हमारी सरकार आने के बाद में टोटल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन में जोड़ दिया गया। कोई भी ऐसी दुकान नहीं रहे जिसमें पोस मशीन नहीं, यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लग जाए, उससे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है और उसके आधार पे रियल जो बेनिफिशरी वही उससे फूड ग्रेन प्राप्त कर सकता है। डिजिटल इंडिया के तहत 884 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए थे कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल सिस्टम डेवलप करने के लिए, किस तरह की सक्सेस अब तक हमने देखी है, क्योंकि 2017 का टारगेट रखा था? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये 5 साल के फेज में करना था। ये पूरा जो 12th फाइनेंस जो ये योजना थी 12वीं, उसमें ये किया जाना था और इसमें शुरुआती दौर में काफ़ी कम काम हुआ, लेकिन हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है उसके बाद में काफ़ी तीव्र गति से एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन किया गया। आज हमारे पास में जो FCI के जो 534 डिपो उनमें से 522 डिपो ऑनलाइन हो गए हैं, सब में कंप्यूटर लगे हैं। अभी जो पीछे 5-8-10 बचे हैं उनको भी हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं। ऐसे ही CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, उनके डिपोज को भी ऑनलाइन किया जा रहा। छोटे गल्ले की दुकानें, उनमें कई तरह की कालाबाजारी की समस्या अक्सर देखने को मिलती, आम जन को उसका फायदा नहीं मिलता, इस तरह की चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जमीनी स्तर पर किस तरह के प्रयास अब भविष्य में हम कर सकते हैं? वी कवर द 22 एसेंशियल कॉमोडिटीज़ और उन एसेंशियल कॉमोडिटीज़ की कोई कालाबाजी करता है, होल्डिंग करता है, ज़्यादा भाव में बैठने की कोशिश करता है, तो समटाइम्स स्टॉक लिमिट लगा देते हैं ताकि जिनके पास में अनेसेसरी ज़्यादा स्टॉक कर रखा तो उसको बाहर निकालना पड़ता है तो वापस मार्केट के अंदर माल आ जाता है। इसी प्रकार से कई बार इम्पोर्ट करना पड़ता है कि यदि शॉर्टेज हो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन, तो इम्पोर्ट करके भी उसको कमी को दूर किया जाता है, जैसे दालों में हुआ था। तमाम तरह की जो दिक्कतें और समस्याएं और तमाम तरह के सवाल जो उठते हैं पोषकता युक्त खाद्यान्न पर, तो उसके लिए भविष्य में ऐसी कोई विजन प्लान है जिससे पोषक खाद्यान्न आम जन को, गरीब को मिले? आपने बिल्कुल सही उठाया है कि ये सामान्यतः ये रहता है कि सब जो FCI के गोदामों से या स्टेट वेयर हाउसिंग के जो गोदाम से जो माल आता है वो काफ़ी पुराना होता है, उनमें कीड़े लगे रहते होंगे या और कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं। अब जब से साइंटिफिक प्रिजर्वेशन किया जाता है उसके पश्चात अधिकतर जो सामान जो अनाज होगा बिल्कुल सही हालत में रहता है और उसको सही हालत पहुँचा, और इसका एक फीफो का नियम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो अनाज पहले प्रोक्योर किया गया उसको पहले आउट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा लंबे से समय तक नहीं पड़ा रहे। तो साइंटिफिक प्रिजर्वेशन के बाद में फ्यूमिगेशन वगैरह किया जाता है ताकि कीड़े वगैरह नहीं लगे। 2017 से 2022 तक न्यू इंडिया भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी मुक्त, जातिवाद मुक्त, सांप्रदायवाद मुक्त, तमाम तरह की जो दिक्कतें देश में पिछले 70 साल में पैदा रही उनसे विमुक्त भारत बनाने की दिशा में आपका मंत्रालय किस तरह काम कर रहा? निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बताया है कि भारत से, क्योंकि
1942 के अंदर 9 अगस्त 1942 को भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो कर्नाटक क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, उससे वो 5 साल के अंदर अचीवमेंट हुआ, यानी संकल्प से सिद्धि की ओर है। हम भी हमारे विभाग में ये संकल्प लेते हैं कि ऑल फेयर प्राइस प्राइस शॉप्स शुड फंक्शन प्रॉपरली, और वो जो लाभान्वित है उनको समय पे जिस महीने का अनाज आए उस महीने का अनाज मिलना चाहिए, ये इंश्योर करेंगे। और हर क्योंकि भारत की 2/3 पॉपुलेशन हाईली सब्सिडाइज अनाज प्राप्त कर रही है, 75% रूरल 50% अर्बन, क्योंकि सबसे बड़ा जनसंख्या का जो भाग है वो ये अनाज प्राप्त कर रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि इस मूवमेंट के अंदर जो दुकानों के मार्फत जो माल जाता है सही माल जाए, समय पे माल जाए, और जो कीमत है उससे कोई ज़्यादा आगे पीछे नहीं ले किसी भी प्रकार से। तो यदि केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामलात राज्य मंत्री श्री यादव चौधरी, जिनका मानना कि उनका मंत्रालय सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए न केवल आम जन के हित में काम कर रहा है बल्कि PDS प्रणाली का देश के हर गरीब आदमी को पूरा पूरा फायदा मिले इसका भी पूरा प्रयास कर रहा है। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ OP यादव, DD News, दिल्ली।